मैं लग गई हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी व्यस्त हूँ। इधर से कैसा आ रहा है? पानी पीने वाला नहीं है आर्यन? चलो आ जाए। इधर मैं थोड़ा सा किचन को नीट एंड क्लीन कर रही हूँ, शाम का समय हो गया है, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दिया बाती करना है। तो आज हमारा गैस साफ है, मैंने आज ऐसा कुछ खाना नहीं बनाया। खाने में मैं देखो क्या बनाती हूँ, आज मेरा कुछ अलग ही कुछ खाने का मन कर रहा है। बहुत दिन हो गया खीर बनाई हूँ, सेवई बनाई तो रहेगी। आज सेवई बनाओ क्या? बना दो। चलो गाइस, पानी आएगा 8 बजे, तब बर्तन धुलेंगे, तब तक आर्यन यही तुम्हारी आदत अच्छी नहीं लगती। कपड़ा निकालते हो या तो बाथरूम में टांग दिया करा करो, ये इधर फेंके हो अच्छा लग रहा है। चलो हटा देता हूँ। अभी हटा देती हूँ। तो गाइस इधर देखिए, शाम का समय हो गए हैं और आज मैंने बेड शीट निकाल के भिगो दिए हैं और अभी तक बेड शीट धुले नहीं हैं। शाम को पानी आएगा तो फिर मैं धुलूँगी, क्योंकि सुबह पूजा पाठ करने में लेट हो जाता है। तो मैं बोली चलो थोड़ा भिगो दूंगी तो सही रहेगा। इधर आर ओ चढ़ा रहे हैं तकिया कवर, ये देखा तकिया कवर चढ़ाने में इनको मस्ती सूझी है, इनको नींद आ रही है। देखिए कैसे ज़मीन पे लेटे हुए हैं। उठो सही से। और आर्यन देखिए बेड शीट लगा रहे हैं, इनको बोली तुम कर दो, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, शाम का समय हो गया है। वैसे आज यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। कंघिया मत तोड़ देना भाई साहब, ओए कंघी मत तोड़ देना। दिमाग है, दिमाग है मुझे तो, हमसे तो हिल जाता है। मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारे पास दिमाग है। थोड़ा अच्छे से करना, आरो उठा के रखो। चलो जाओ भैया का हेल्प करो। चलो मैं जाऊं करूं पूजा की तैयारी। ऐसा पूजा पहले उधर से क्लीन कर लो ना, सर के पास से। अरे मैं कर रहा हूँ, आप उसके बारे में सोच रही हो। चलो गाइस देखिए बच्चे लोग इतना काम कर रहे हैं, काफी सुबह से निकाली थी, अभी मैं बोली बेड शीट लगा दो, अभी उसे लगा रहे हैं। मेरा मुन्ना जब जवान हो जाए देख लेना, शेर ही खिलाएगा जमीन पे लेट लेट के। तो गाइस आज हम लोग जानते हैं क्या खाए हैं, बता दे आर्यन, स्वाद था कि नहीं खाने में? आज हम लोग खाए हैं चटनी और चावल। क्या बात है, क्या बात है, आरो का बाल बढ़ गया है। अब जाने दो, लास्ट वाले दिन बनवाएंगे दोनों लोग का बाल। नवरात्रि में नहीं, लास्ट वाले दिन बना देंगे ना। नवरात्रि जब खत्म होगा तभी बना। अरे तो उठोगे तुम? पूरा नवरात्रि ऐसे रखूंगा क्या? पूरा नवरात्रि नहीं, नवरात्रि के एक दिन पहले ही जाना। तुम आ रहे दोनों लोग बाल बनवा लेंगे। एक तारीख को बाल, दो तारीख को बाल बनवा। दो तारीख को तो नवरात्रि है। हाँ दो तारीख को नवरात्रि। तीन को है। दो को है। तीन को है। दो को है। अच्छा उठ के बैठो, तकिया उस पे रखो बेड पे और ये वाला उस पे रखो। मैं चलो जा रही हूँ पूजा करने, ठीक है? उठो, सुनाई नहीं दे रहा है, देखो सुनाई नहीं दे रहा है इसको। तो गाइस यहाँ पे देखिए हो गया, कितना बज रहा है? ये तो घड़ी कितने दिन से खराब है आप लोग को। तो बोली थी उसमें सेल ला के लगाने के लिए, टाइम मिलाने के मिलाते नहीं हो, रोज रोज एक ही चीज बोलना पड़ता है। मैं नहीं सुनता तो आरो तो है, आरो को तो आप बोलोगे नहीं। नहीं आरो कहाँ कुछ करता है, तुमसे ज्यादा ही आरो काम करता है। अच्छी बात है, छोटा है घर का लड़का, काम कर रहा है। तो फिर खाना पीना की तैयारी हो रही है, क्या बन रहा है खाना? लहसुन वसुन छिल कुछ बनाओगी तभी छिल रही हो? मैं आज खाना भी बनाने वाली हूँ, सोच रही मेरा तो बहुत कुछ खाने का मन कर रहा था, बनाने का मन कर रहा था। What's happened bro? यह पढ़ रहे थे हमारे पुस्तकों में जाके बेडिया में लेट गए।
उनको सेवई चाहिए, मेरा भी सेवई खाने का मन कर रहा था बनाने का, तो ये लोग वो उनको जाने थे मराठी का भूख लेने, तो गए तो डेढ़ घंटा में आए हैं, इसलिए गुस्से बस खाना बना कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। इधर देखिए मैंने कुकर में आलू भी बॉईल कर ली, मैं सोची आलू का पराठा बनाऊंगी, सेवई बनाऊंगी और बॉईल हुए आलू का आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। बहुत दिन उबले हुए आलू का सब्जी बनाए हो गया, लेकिन ये लोग बीच बीच में मुझे गुस्सा दिला देते हैं ना, तो इसलिए कुछ तब नहीं बनाने का मन करता है। जा भाई सेवई लेके आ जा। तो गाइस यहाँ पे देखिए हो गया रात का टाइम और मम्मी यहाँ पे खाना वगैरह की तैयारी कर रही हैं। तो आज खाने में क्या बन रहा है? इधर देखिए हमने पराठा के लिए आलू भूज ली हूँ और हो गया है मामा। आलू का पराठा बना रही हो? आलू पराठा बनाऊंगी और इधर आलू टमाटर की सब्जी, उबले हुए आलू टमाटर की सब्जी है, इधर से वही मंगा ली हूँ। सेवई मैं भूजूंगी नहीं, भूजा रोस्टेड वाला है, तो उसको क्या करूँगी, इधर पसंदा भी काटना है, तो दूध रख दी हूँ बॉयल होने के लिए। सब्जी भी हमारा भुजा गया है, इसमें पानी डालना है, तो आज कुछ ऐसे ही मेरा खाने मन कर दिया, क्योंकि बहुत दिन हो गया कि हम कुछ पराठा वराठा नहीं बना रहे हैं, कुछ आइटम नहीं बना रहे हैं, इसीलिए हमारे किचन में कुछ ना कुछ बनना चाहिए ना। ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, जाओ ना वो दो तो बिस्लरी वाला बॉटल भर के रख दो। अभी कितना टाइम हो रहा है दुकान पे? ये सब बॉटल यह है इधर है, एक तो इधर है, या दोनों बॉटल भर के रख दो और फिर दुकान से आधा घंटे बाद लेके। 10:30 बज गया है, तो क्या हुआ 11 बजे तक दुकान बढ़ाते हैं ना, तब आ गया। तो गाइस यहाँ पे देखिए खाना बन गया है, अभी पूरा नहीं बना है, यहाँ पे गर्मा गर्म पराठा बन गया है और सब्जी दिखा रहे हो, सब्जी गर्मा गर्म बन गया, इसके अंदर सेवई है पूरा एकदम मस्त गर्मा गर्म। आज मम्मी का पता नहीं कैसे मन कर दिया ये सब बनाने का, लगता है मम्मी बनाती नहीं है, जैसे मतलब बनाती हूँ कुछ दिन से, मैं कुछ बना नहीं रही हूँ, किचन की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी, इतना मुझे टेंशन था। क्या चीज़ का टेंशन होता है? घर परिवार को लेकर टेंशन, और जब होगे बड़े जिम्मेदारी समझोगे तब समझ में आएगा। आजकल 2 साल के बच्चों को टेंशन है तो आपकी तो बात ही दूर है। अच्छा, जिंदगी के नाम ही अब टेंशन हो चुका है। सही बोल रहे हैं। इधर गाइस गर्मा गर्म पराठा और सेवई भी बन के रेडी हो गया है, या देखो भाप निकल रहा है, देखो मम्मी सेवई जैसे देखा नहीं है कभी, नहीं इनके जीभ में पानी आ रहा है ना, क्योंकि इनको खाना है, इन्हीं की वजह से लेट हुआ है, मेरा बनाने का मन नहीं था। जब तुम नहीं लेट हो जाता है ना, तुम लोग कहीं चले जाते हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है, अब मैं सोची नहीं बनाऊंगी। तारू बोला आपका रो यही नाटक है, यही नाटक है, इसीलिए हम कहे चलो भाई बना देती हूँ।